अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर परमोटेशन क्या होती है, या इनफैक्ट सिंपल इसको हम साइकिल भी कहते हैं। देन उसके बाद हम डिस्जॉइंट साइकिल को भी स्टडी करेंगे। इनफैक्ट देखिए, सर्कुलर परमोटेशन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि सिंपल परमोटेशन क्या होती है। तो इसको हमने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस किया हुआ है, तो काइंडली अगर आपने परमोटेशन को नहीं किया तो इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि परमोटेशन क्या होती है। हमने बात की थी कि अगर कोई भी हमारे पास एक सेट है, या इनफैक्ट मैं कोई सेट ए ले लूं या जी में सेट ले लूं, तो हमेशा वो जी से जी में जाएगा। अगर सेट ए है तो सेट ए से ए में जाएगा। अगर ये जो मैपिंग है, इनफैक्ट हमने कहा था जो परमोटेशन होती है ये एक फंक्शन होता है, ये मैपिंग होती है। और ये किस टाइप का, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में वन वन फंक्शन भी आ जाता है, ऑन टू फंक्शन भी आ जाता है। तो बेसिकली परमोटेशन हमारी एक फंक्शन होता है। देन इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन भी फाइंड की थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ए गिवन है, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो इट मींस इसकी टोटल परमोटेशन कितनी बनेगी वो हमने देखा था। हम एन फैक्टोरियल से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अगर मैं फाइंड करूँ तो टोटल 24 हो जाएगा। अब सेम अगर मेरे ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं तो वो 3 का फैक्टोरियल मीन्स के उसके टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि हमने S3 की फाइंड की थी, टोटल 6 आ रही थी। देन उसको हमने देखा था कि ये एक ग्रुप भी फॉर्म कर रहे। तो चलिए, ये तो सारी प्रीवियस बातें हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लें। चलिए आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्कुलर परमोटेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सर्कुलर परमोटेशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें जस्ट सिंपल आपने ये देखना है कि जिस एलिमेंट से हमारी परमोटेशन स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आप इसमें देखें कि हमारी परमोटेशन 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड भी सेम उसी एलिमेंट से हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर परमोटेशन। आप देखें, इसमें मिड में भी आपने चेक कर लेना है कि 1 जा रहा है 2 पे, मतलब 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन यही 2 मैप होना चाहिए अगले नंबर 3 पे, देन यही 3 मैप हो रहा है 4 पे, देन एंड वाला जो नंबर आए वो मैप 4 हो रहा है अगेन सेम वही फर्स्ट वाले नंबर पे, तो इसको हम कहते हैं हमारी सर्कुलर परमोटेशन है। क्लियर होगी बात। अब सेम इसी को देखिए, मैं अगर राइट करूँ तो ये एक साइकिल बन रहा है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 मैप हो रहा है 3 पे, 3 मैप हो रहा है 4 पे, अगेन 4 1 पे हो रहा है, तो 1 ऑलरेडी है तो इसको राइट नहीं करेंगे। तो ये इसकी नोटेशन जस्ट सिंपल ये लिखी हुई है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बिल्कुल इजी ऐसे सिंपल आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, सिंपल परमोटेशन गिवन होगी। अब देखिए, इसको हमने बात की थी, इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मींस कि ये जो पेयर लिखा हुआ है, मैं 2 3 को उठा के 1 2 की जगह लिख दूँ, 1 2 को यहाँ पे 2 3 की जगह रिप्लेस कर दूँ, या 1 2 जो है इसको एंड पे लिख लूँ, कुछ भी हम इसको राइट कर सकते हैं। देखिए, ये परमोटेशन आपको ऐसे भी गिवन हो सकती है। मींस कि आप, ज़रूरी नहीं है कि जो साइकिल बन रहा हो वो सेम 1 यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आएगा इसको, क्योंकि हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको एक्सचेंज करूँ कि मैं कहती हूँ 1 2 को मैं बिल्कुल एंड पे लिख लूँ, तो ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, 4 1, तो आपने उसकी नोटेशन पे नहीं जाना, तो और मैं इसको 1 2 को एंड पे लिख लूँ। तो अब इसमें देखें, मैंने 1 2 को उठा के एंड पे राइट कर लिया। अब देखें, यहाँ पे इनफैक्ट आ रहा है कि 2 से स्टार्ट हो रही है हमारी परमोटेशन और 2 पे एंड हो रही है, तो ये भी हमारी हो सकती है। बट अब इसको हम राइट कैसे करेंगे, सेम देखें परमोटेशन वही है, जस्ट अब देखें 2 3 पे मैप हो रहा है, अब हमारा 2 पहले आ जाएगा, 2 मैप हो रहा है 3 पे, देन 3 हो रहा है 4 पे, तो 3 4 पे, उसके बाद 4 मैप हो रहा है 1 पे, अगेन 1 जो है वो अगेन फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 पे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले लिखा हुआ है उसको राइट नहीं करेंगे, तो ये हो गया। तो अब देखें, इन दोनों परमोटेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम देखें इसको और इसको अगर मैं देखूं तो सेम ये वही परमोटेशन है। अब आपने ये नहीं कहना कि ये तो 1 से स्टार्ट हो रही है और ये तो 2 से स्टार्ट हो रही है। अब हमने देख लिया दोनों ये सेम ही बात है, जस्ट हमने रिप्लेस किया, जो कि परमोटेशन में हमें अलाउ होता है कि कोई भी पेयर आप उठा के किसी दूसरे पेयर की जगह उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद बात आपके माइंड में आ रही होगी कि टोटल सर्कुलर परमोटेशन हमारे पास कितनी होगी। वैसे तो टोटल परमोटेशन हमें पता है कि 24 हो रही हैं। तो अब देखिए, इसमें से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इन 24 में से कितनी परमोटेशन हमारी सर्कुलर होगी, इसके लिए फ़िलहाल कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे S3 की बात करूँ, S3 को बहुत ही डिटेल में हमने प्रीवियस किया हुआ है, इनफैक्ट इसकी परमोटेशंस भी हमने फाइंड की थी। S3 के अंदर देखें एलिमेंट्स किस किस टाइप के आ रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले तो हमारे पास देखें S3 के अंदर हम A3 को लेते हैं। A3 मीन्स के इसके सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है। तो S3 की परमोटेशन जो थी, इसमें हमने देखा था कि हम टोटल परमोटेशन आप फाइंड कर लेंगे। देखें, एन फैक्टोरियल होता है ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, तो इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे S3 की तरफ जाने से पहले कुछ सर्कुलर परमोटेशन से और हम यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और तरह के इसमें परमोटेशन देखें साइक्लिक हो सकते हैं। जैसे कि देखिए A4 आ रहा था हमारे पास, अगर मैं कुछ ऐसे परमोटेशन आपको डिफाइन करके दे दूँ कि 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 यहाँ पे मैप हो रहा है 3 पे, 3 मैप हो रहा है 1 पे, एंड 4 मैप हो रहा है 4 पे, तो देखिए बेसिकली ये भी हमारी एक सर्कुलर परमोटेशन होगी। क्यों? क्योंकि अब ये इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि देखिए 1 से स्टार्ट हुई तो 4 पे एंड क्यों हो रही है, बट हमने ये देखना है कि देखें 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 मैप हो रहा है 3 पे, देन यही 3 मैप हो रहा है अगेन उसी सर्कुलर परमोटेशन हमारी 1 तक, यहाँ तक सर्कुलर परमोटेशन जो है हमारी देखिए यहाँ पे बन गई है। और उसके बाद देखिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आप रिड्यूस करें या इसमें इंक्लूड कर लें तो सर्कुलर परमोटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इसका साइकिल हमारे पास बनेगा वो 1 2 3 बनेगा। हाँ, यहाँ पे आप 4 नहीं राइट कर सकते। अब जो इसका ये साइकिल बनेगा ये बनेगा। अब इस साइकिल को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये हो जाए 1 2 3 4, क्योंकि इस साइकिल का तो मतलब हमने ये देखा हुआ है कि 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, देन 4 1 पे मैप हो रहा है। इस साइकिल का ये मतलब है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। 4 मैप 4 होने का मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमने इंक्लूड कर दिया है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको यहाँ से रिड्यूस भी कर लूँ तो तब भी हमारा जो ये साइक्लिक होगा सेम ये यही बनेगा। हाँ, अब ये चीज़ आपके सेट पे डिपेंड करती है कि मैं यहाँ पे 4 को इंक्लूड करूँगी या नहीं करूँगी। तो देखिए हमारा जो सेट है उसमें 4 आ रहा है, तो आपको अगर ऐसे भी सर्कुलर परमोटेशन गिवन हो तो आपने लाजमी यहाँ पे 4 4 को राइट कर लेना है। अच्छा, अब मैं एक और आपको यहाँ पे साइकिल डिफाइन करके दे देती हूँ। मैं कहती हूँ आपका जो साइकिल है वो कुछ इस तरह से है कि 1 2 आ रहा है उसमें, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग कहती हूँ, इसको ओपन करें कि हमारा जो सेट है सेट के अंदर जस्ट आपके पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस साइकिल को आप कैसे ओपन करेंगे? आप लिखेंगे 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 मैप हो रहा है, साइकिल कहते हैं कि 2 मैप करना है 1 पे, तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। बट अब सेट ए जो है हमें कह रहा है कि इसके अंदर आपके पास, और यहाँ पे ये 2 है, तो साइकिल हमें कह रहा है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। 1 2 तो हमने कंज्यूम कर लिए, बट 3 इसमें आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 3 को आप आइडेंटिटी मैपिंग दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर हो की बात? अब सेम फॉर एग्जांपल यही साइकिल मैं आपको दे देती और मैं आपसे कहती कि इसके अंदर आपके 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 3 एंड 4 आ रहा है, तो तब आप 3 3 को मैप करवाते, 4 को 4 से मैप करवाते, तो तब इस साइकिल का ये मतलब था। तो साइकिल को ओपन करने के लिए, उसकी प्रमोटेशन बनाने के लिए आपके पास सेट का होना ज़रूरी है, तो उसको सेट के अकॉर्डिंग आप उसको ओपन करेंगे। क्लियर हो की बात? अब ये हमारा जो बन गया ये एक साइकिल बन गया। अच्छा, इसमें मज़ीद अब इसको समझें कि इसमें देखें कि अगर मैं एक और आपको परमोटेशन दे दूं जिसके अंदर 2 साइकिल आ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 2 पे मैप हो रहा है, देन 2 हमारा 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप, तो ये एक साइकिल हो गया। और इसके अंदर मैं कहती हूँ आप 3 के बाद मैं कहती हूँ यहाँ पे 4 मैप कर रहा है 5 पे, और 5 जो है मैप कर रहा है 4 पे, और 6 मैप कर रहा है 6 पे। अब इसको ज़रा आप साइकिल इसका बनाएं, इसको ज़रा ओपन करें। अब देखें इनफैक्ट इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो ए होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा यहाँ पे सेट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये परमोटेशन आपको दे दी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने देखा इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो इसमें 6 है। अगर मैं कुछ ऐसे आपको दे देती, ये ऐसे मैं कहती इसके अकॉर्डिंग ये वाली आपकी परमोटेशन है, तो अब आप क्या करते? अब इसमें 6 भी है ना हमारी सेट में, तो आप इसको परमोटेशन के अंदर 6 आइडेंटिटी एलिमेंट भी राइट कर दे, तो आपका साइकिल पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, अब हमारा ये पूछा गया है क्या ये हमारी सर्कुलर परमोटेशन है या ये एक साइकिल बना रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे? देखें 1 2 पे, 2 3 पे, देन 3 1 पे, ये तो हमारा एक साइकिल बन गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 4 मैप हो रहा है 5 पे, 5 मैप हो रहा है 4 पे, ये हमारा दूसरा साइकिल। तो आप ये साइक्लिक परमोटेशन तो नहीं है, बट इसके अंदर हमारे पास 2 साइकिल इंक्लूड हो रहे हैं। अब इसको हम कैसे राइट करेंगे कि ये 1 2 3 हो जाएगा? ये फर्स्ट वाले साइकिल को मैंने राइट किया, और सेकेंड वाले साइकिल को अगर मैं राइट करूँ तो ये 4 5 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम राइट नहीं करते, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हो की बात? अब देखें अगर मैं इसको ओपन करूँ, कि देखिए अब मैं इसको अगर ओपन करती हूँ कि ये हो रहा है 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 मैप हो रहा है आपका यहाँ पे 3 पे,
एंड देन हमारा थ्री मैप हो रहा है वन पे, तो ये फर्स्ट साइकिल हो गया। और इसकी कंपोजिशन आप मिड में लगा दें या यहाँ पे भी लगा दें, तो बात है कि ना भी लगाएं फिर भी इसका मतलब यही समझा जाता है। आप नेक्स्ट वाला साइकिल हमें कह रहा है फोर फाइव पे मैप हो रहा है, देन फाइव अगेन फोर पे मैप हो रहा है, तो अब ये हमारी दो परमोटेशन बन गई। इनफैक्ट अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगेन आप देखेंगे, आप चेक करेंगे, आपको सेम यही आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब सेम इसी ए में से मैं कुछ और आपको साइकिल डिफाइन करके दे दूँ कि मैं कहती हूँ आपकी जो एक परमोटेशन है वो परमोटेशन आपकी कुछ फॉक्सिबल परमोटेशन में आपको साइकिल ही डक दे देती हूँ। मैं कहती हूँ ये आपके पास साइकिल है वन टू थ्री, तो आप इसको ओपन करें, तो इसका परमोटेशन साइक्लिक परमोटेशन कैसे बनेगी कि देखें, ये होगा वन मैप हो रहा है टू पे, देन टू मैप कर रहा है हमारा यहाँ पे थ्री पे, अगेन थ्री जो है मैप कर रहा है वन पे, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपकी परमोटेशन बनेगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको साथ में सेट भी दे दिया जाए तो सेट के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे ओपन करेंगे, ये तो हमने साइकिल को ओपन किया। अब हमारे जो चार थ्री एलिमेंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसको भी आप राइट कर लें कि फोर आइडेंटिटी मैपिंग आप इसको करनी है, फोर फोर पे हो रहा है, फाइव फाइव पे एंड सिक्स सिक्स पे। तो इस सेट के अकॉर्डिंग मैंने इस साइकिल को जब ओपन किया, इसकी परमोटेशन साइक्लिक परमोटेशन फाइंड की, तो वो ये आएगी। क्लियर हो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको आपने इट सेल्फ मैपिंग करवा के इसको राइट कर लेना है। अच्छा, सेम इस तरह मैं एक और आपको यहाँ पे परमोटेशन डिफाइन करके दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये पी वन है हमारी, ये भी पी वन हो जाएगी। नेक्स्ट सेम मैं आपको यहाँ पे पी टू ऐसी डिफाइन कर देती हूँ। मैं कहती हूँ इसके अंदर एलिमेंट्स आपके पड़े हुए हैं फोर है, फाइव है और सिक्स है, तो इसका देखिए इसकी हमारी परमोटेशन अगर मैं ओपन करूँ तो ये कैसे होगी। ये हमारा फोर से स्टार्ट हो रहा है, फोर फाइव पे मैप हो रहा है, देन फाइव सिक्स पे हो रहा है, अगेन जो सिक्स है वो फोर पे मैप हो रहा है, तो ये हमारी यहाँ पे परमोटेशन बन गई साइक्लिक परमोटेशन। बट देखिए आप इस सेट के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे कि जो आइडेंटिटी बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं उसको आइडेंटिटी मैपिंग करवा दें, वन को टू पे, थ्री को थ्री पे। अच्छा, अब देखिए एक और यहाँ पे बात आती है कि हम इसको क्या एंड पे लिखेंगे। अगर ये शुरू वाले एलिमेंट्स है तो आप इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये भी मेरा ठीक होगा, अगर मैं इसको वन वन पहले लिख लूं, टू टू पहले लिख लूं, थ्री थ्री पहले लिख लूं और साइकिल को मैं बाद में ओपन कर लूं फोर फाइव पे, फाइव सिक्स पे एंड सिक्स फोर पे, तो ये बात भी ठीक होगी। ये तीनों बातों का आपके पास एक ही मतलब है। क्लियर होगी बात। तो ये सारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारी सर्कुलर परमोटेशन का, या जस्ट सिंपल आप इसको साइकिल कह लें। अब देखें बात आती है नेक्स्ट डिसजॉइंट साइकिल्स की। तो अब देखें बेसिकली ये जो साइकिल मैंने इस सेट ए के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है पी वन और ये पी टू, तो अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। इसमें वन है तो इसमें वन नहीं है, इसमें टू है तो इसमें टू नहीं है, इसमें थ्री आ रहा है तो इसमें थ्री नहीं आ रहा। सेम इसके जो एलिमेंट्स है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स ये तो मेरे पी वन और पी टू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। अब अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड करें, तो ये हमेशा हमेशा कंपोजिशन पी टू इक्वल आएगी पी टू पी वन के। इन जनरल हमने क्या बात की थी कि हमारा जो यहाँ पे परमोटेशन होती है वो कम्यूटेटिव लॉस में इन जनरल होल्ड नहीं करता। मींस के पी वन पी टू कम्पोजिशन फाइंड करें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसका आंसर पी फाइव आ रहा था, पी टू पी वन देखा था तो उसका कुछ और आ, मींस के वो कम्यूट नहीं कर रही थी, उसमें कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं कर रहा था। बट परमोटेशन के अंदर, सर्कुलर परमोटेशन के अंदर ये कमोडेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। कब करता है? जब दो हमारे साइकिल्स जो हैं वो डिसजॉइंट आ जाएं। डिसजॉइंट होने का मतलब कि दोनों में कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। कि देखें अगर मैं यहाँ पे एक पी थ्री और यहाँ पे सर्कुलर परमोटेशन ले लूँ जिसके अंदर मैं कहती हूँ एलिमेंट्स मेरे थ्री फोर फाइव आ रहे हैं, तो अब देखें हमारा पी वन को अगर मैं देखूँ और यहाँ से पी थ्री को देखूँ, ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखें इसमें थ्री आ रहा है और इसमें भी थ्री आ रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसमें एक और बात समझें कि अगर सिंपल हमें परमोटेशन दे दी जाए, तो देखिए परमोटेशन अगर मैं यहाँ पे हमने कहा P1 और P2 जो है ये हमारे डिसजॉइंट साइकिल हैं, तो अब P1 को अगर जरा आप गौर से देखें और यहाँ से P2 को जरा आप गौर से देखें, तो यहाँ से आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हमारे डिसजॉइंट साइकिल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर हमारे पास थ्री आ रहा है तो इसमें भी थ्री आ रहा है, इसमें फोर आ रहा है तो इसमें भी फोर आ रहा है, इसमें एलिमेंट्स आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। जब तक आप इसको इस साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे कि पी वन को हमने ये राइट किया और उसके बाद हमने ये पी टू को राइट किया, तो तब आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगी, अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि ये डिसजॉइंट साइकिल है या नहीं है। हाँ, इसमें देखें आप साइकिल में देखना चाहें, परमोटेशन में देखना चाहें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा आप बाकी को देख लें, लेकिन बहुत बेहतर यही होगा कि आप उसका साइकिल बना लें, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देन आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं, मिस्टेक के चांस कम होते हैं। इसमें मिस्टेक के चांस ज़्यादा होंगे यहाँ से देखने में, तो इसको आप साइकिल में इस तरह के साइकिल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे डिसजॉइंट साइकिल्स हैं या नहीं है।
अगर तो वो साइकिल आपके डिसजॉइंट हो गए तो हमेशा हमेशा उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो होल्ड कर जाएगा। अच्छा, तो अब हमारी ग्रिप अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, अब हम सर्कुलर परम्यूटेशन से फैमिलियर हो गए हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को कर सकते हैं कि S3 में देखें, S3 को हमने फ्लिप करवा के इसके टोटल जो 6 एलिमेंट्स हैं उनको हमने फाइंड किया था, तो उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से हमारे जो साइकिल आ रहे हैं वो सर्कुलर परम्यूटेशन बना रहे हैं या कौन से साइकिल बन रहे हैं। साइकिल कह रहे हैं या सिंपल सर्कुलर परम्यूटेशन कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। तो हमने सबसे पहले लिखा था कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, ये तो आइडेंटिटी है, इसको तो छोड़ दें। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड कर लेते हैं, इसको जस्ट आप फ्लिप करवाते जाएँ, फ्लिप करना, इसके एलिमेंट्स को फाइंड करना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। तो काइंडली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो देखें, बार बार मैं हर लेक्चर में आपको यही बात रिवाइज करती हूँ, यही बात कहती हूँ, आप एक दफ़ा स्टार्ट से पढ़ना तो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा, अब इसकी लास्ट वन थी हमारे पास परम्यूटेशन 3, 1, 2, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा साथ में बातें करते हुए, लिखी जा रही हूँ तो पता नहीं, चले खैर ठीक होगी, अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसको हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें देखें कि हमारी सर्कुलर परम्यूटेशन कौन कौन सी आ रही है। अब इसका सेट जो है हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन कौन सी सर्कुलर परम्यूटेशन आ रही है। सबसे पहले तो इसको देखें कि 1, 1 पे मैप हो रहा है, आइडेंटिटी है, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमने देखना है 2, 3 पे मैप हो रहा है, 3, 2 पे मैप हो रहा है, तो इट मीन्स अब इसको मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी के अलावा 2 मेरा मैप हो रहा है 3 पे और 3 मैप हो रहा है 2 पे, तो इसका साइकिल ये बनेगा। तो मीन्स ये हमारे यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन है, या इसको हम साइकिल कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सेकंड वाले थर्ड वाले में देखें, ये 1 मैप हो रहा है 2 पे, देन 2 मैप हो रहा है 1 पे और ये आइडेंटिटी है, इसको हम छोड़ देंगे। तो मींस कि अब इसका जो साइकिल बनेगा हमारे पास, ये 1, 2 पे मैप हो रहा है, अगेन 2, 1 पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारी जो परम्यूटेशन बन गई, ये सर्कुलर परम्यूटेशन बन गई है। अच्छा, अब सेम इसमें चेक करते हैं कि 1 हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 3 पे, देन 3 मैप हो रहा है 1 पे, ये तो पूरे का पूरा हमारा साइकिल बन गया कि 1 2 पे हो रहा है, इसको राइट कर सकते हैं। देन 2 हमारा मैप हो रहा है 3 पे, अगेन 3 1 पे, तो साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, अब सेम इसमें देखें, 1 मैप हो रहा है 3 पे, अब 3 को सर्च करें, 3 देखें 1 पे मैप हो रहा है, तो मिड में देखें इसको मैं एक्सचेंज भी, आप इस परम्यूटेशन को देखें, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अगर आपको इसका साइकिल समझ ना आए कि 1 मैप हो रहा है 3 पे, आप 3 वाला पहले लिख लें, ये वाला पेयर जो है इसको उठा के हम पहले लिख लेते हैं, 3 1 पे मैप हो रहा है, आइडेंटिटी को हम एंड में लिख रहे हैं 2 2 पे। तो आप यहाँ से आप देखें हमारा साइकिल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, 1 3 पे हो रहा है मैप, 3 1 पे हो रहा है, तो 1 1 यहाँ पे ये साइकिल बन गया, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मीन्स कि इसको हम राइट कर सकते हैं 1, 3, तो ये हमारा एलिमेंट बन गया। अच्छा, अब सेम इसको अगर हम देखें तो हमारा 1 मैप हो रहा है 3 पे, अगेन 3 मैप हो रहा है 2 पे और 2 मैप हो रहा है 1 पे। आप देखें इसको भी हम थोड़ा एक्सचेंज करने की ज़रूरत है कि इस परम्यूटेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 3 पे मैप हो रहा है, देन हमारा 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, देन अगेन ये 2 मैप हो रहा है 1 पे, इसको हमने एक्सचेंज करके थोड़ा इसको रीअरेंज किया है। तो आप देखें 1 3 पे मैप हो रहा है, तो ये 1 3 हो जाएगा, 3 अगेन 2 पे मैप हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब देखें, अब यहाँ से हमारे जो ये साइकिल्स बने हैं इनको ज़रा हम कलेक्ट करें। फर्स्ट वाला तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैंने आपसे कहा था ना कि S3 की जो है, जब सर्कुलर परम्यूटेशन कर लेंगे तो इसको हम नोटेशन देख लें कि इस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ये आपके देखें आप सेट में अंदर एलिमेंट्स इस टाइप के आपको लिखे हुए नजर आएंगे। एक तो सिंपल हमने इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में राइट किया था कि हमारा S3 जो है इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं एक आइडेंटिटी, इसको हमने आइडेंटिटी का नेम दिया था, किसी एक परम्यूटेशन को हमने अल्फा लेट कर लिया था, देन उसका हमने स्केयर जब फाइंड किया था, अल्फा का स्केयर हमने राइट किया था, देन अल्फा क्यूब जब फाइंड किया था तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही थी। ये सारा हमने प्रीवियस किया हुआ है। देन उसके बाद हमने किसी और परम्यूटेशन को बीटा लेट किया था, जब बीटा स्केयर फाइंड किया था तो वो बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही थी, तो आइडेंटिटी यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसको हम रिपीट नहीं करते। देन हमारे पास डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो ये सारे आ रहे थे, तो इस टाइप में आपको कुछ नज़र आएगा। तो इनफैक्ट इसको हमने देखा था कि ये जो हमारा सेट है ये आइसोमॉर्फिक हो रहा है D3 के, तो सेम D3 में भी यही एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है। अच्छा खैर, तो इसकी डिटेल में हम नहीं कर रहे, ये हमने प्रीवियस की हुई है। अब इसको अगर मैं इस साइकिल फॉर्म में राइट करूं तो देखें, फर्स्ट वाला हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और उसके बाद सेकंड में देखें तो सेकंड में हमारे साइकिल, इस परम्यूटेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो ये यहाँ पे 2, 3 एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली देखें, सेकंड थर्ड वाला एलिमेंट 2, 1, 2 आ रहा है, तो इसको हम राइट करेंगे। उसके बाद हमारा परम्यूटेशन देखें, पहले हम 2 वाले लिख लेते हैं, उसके बाद ये 1, 3 आ रहा है, तो हम इसको 1, 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको मैं रेस कर रही हूँ,
देन उसके बाद देखें एलिमेंट हमारा, आप थ्री वाला साइकिल ले लेते हैं तो थ्री ऑर्डर का देखें हमारे पास ये वन टू थ्री आ रहा है। एंड नेक्स्ट हम इसको राइट कर लें एट द एंड, ये वन थ्री एंड यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, टू हो जाएगा, तो ये क्लोज कर दें। तो अब इसको ज़रा काउंट करें, टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं। तो एस थ्री की नोटेशन कुछ बुक्स में आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये इसका मैथड है। अब बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एस थ्री में बेसिकली एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। अब देखिए इनफैक्ट आपको ये बात फिलहाल समझ ना आई हो तो काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर देखें, एस थ्री पर मेरा एक पूरा डिटेल लेक्चर है जिसमें थ्री के हमने एलिमेंट्स बनाना सीखे थे। तो बेसिकली हमने एस एन के सारे एलिमेंट फाइंड किए थे कि सबसे पहले हमने एस वन फाइंड किया था, उसमें जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो हमने देखा था ये एक एबिलियन ग्रुप है। देन एस टू में हमने देखा था हमारे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आई और अल्फा आ रहे हैं, तो जिस ग्रुप का हमारे पास जिस सेट का ऑर्डर टू हो तो वो ना सिर्फ ग्रुप होता है बल्कि वो एबिलियन ग्रुप होता है। एस वन एस टू ये दोनों एबिलियन ग्रुप्स थे। और उसके बाद एस थ्री हमने ये अभी फाइंड कर लिया, इसकी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है। तो एस थ्री ये फाइंड कर लिया, ये इनफैक्ट एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। इसके बाद एस फोर एंड सो ऑन, आप एस एन तक चलते जाएं तो आप सारे के सारे एलिमेंट सेम इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो चले फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।